बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालदैन, अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का बाबरकत महीना है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमतों के हिसार में हैं। स्कूल्स में तालीमी सिलसिला मुनक़ता होने की वजह से मिल्लत स्कूल्स ने ऑनलाइन तालीमी सिलसिले को बाकायदा जारी रखा, जिससे बच्चे ऑनलाइन योमिया डायरी की तदरीसी वीडियो से आपकी ज़ेरे रहनुमाई इस्तफादा कर रहे हैं। इसी तालीमी सिलसिले का जायज़ा लेने के लिए बच्चों के लिए ऑनलाइन ही घरों में वालदैन के ज़ेरे निगरानी फर्स्ट टर्म इम्तहानात का इनेकाद किया गया है। इस इम्तहान के तमाम मज़ामीन के प्रिंटशुदा सवालिया पेपर्स आप वसूल कर चुके हैं। इन्हीं सवालिया पेपर्स की रहनुमाई वीडियो भी आपको व्हाट्सएप की गई। आप इसको दोबारा मिलत यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मेरी आज की वीडियो का मकसद आपको इसके जायज़ा के तरीक़ेकार से आगाह करना है, जिसके मुताबिक आप अपने बच्चे की बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे। मोहतरम वालदैन, मिलत प्री स्कूल ऑनलाइन योमिया डायरी की तदरीस के बाद फर्स्ट टर्म पेपर्स का आगाज़ 21 अप्रैल से ऑनलाइन हो चुका है। डेटशीट के मुताबिक आज प्रीयर वन यानी इब्तदाई साले अव्वल का उर्दू का पेपर है। आज मैं आपको उर्दू पेपर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जायज़े का तरीक़ेकार बताऊंगी, जिसके मुताबिक आप हर कॉन्सेप्ट के जायज़ा तरीक़ाकार को जांचते हुए बच्चों को अपनी निगरानी में किताब में मौजूद हरूफ की बनावट के मुताबिक दुरुस्त और साफ़ सुथरी लिखाई में करवा सकेंगे इंशाल्लाह। मज़मून उर्दू जायज़ा तरीक़ाकार। सवाल नंबर एक, कॉन्सेप्ट नंबर 27, दी गई तस्वीर में त की आवाज़ की तस्वीर में रंग भरें। जायज़ा तरीक़ाकार, एस ग्रेड का मुस्तहिक तो तालिबे इल्म आवाज़ की दुरुस्त पहचान करेगा, एम ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म पहचान में एक या दो गलतियां करेगा, डी ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म पहचान में तीन या चार गलतियां करेगा, एन आई ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म एक तस्वीर की दुरुस्त पहचान करेगा। सवाल नंबर दो, कॉन्सेप्ट नंबर 28, ब ता ट हरूफ पर पेंसिल फेरने की मश्क करें। जायज़ा तरीक़ाकार, एस ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म सोती हरूफ तहज्जी को दुरुस्त पेंसिल फेरने की मश्क करेगा, एम ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म पेंसिल फेरने की मश्क में एक या दो गलतियां करेगा, डी ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म पेंसिल फेरने की मश्क में तीन या चार गलतियां करेगा, एन ए ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म एक हर दुरुस्त पेंसिल फेरने की मश्क करेगा। सवाल नंबर तीन, कॉन्सेप्ट नंबर 29, दी गई तस्वीर को इनकी शुरू की आवाज़ वाले हर्फ के साथ मिलाइए और तस्वीर में रंग भरिए। जायज़ा तरीक़ाकार, ये एस ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म हरूफ तहज्जी को दुरुस्त मिलाएगा, एम ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म मिलाने में एक या दो गलतियां करेगा, डी ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म मिलाने में तीन या चार गलतियां करेगा, एन आई ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म मिलाने में पाँच या इससे ज़्यादा गलतियां करेगा। सवाल नंबर चार, कॉन्सेप्ट नंबर 27, दी गई तस्वीर के नाम और शुरू की आवाज़ बताएं। जायज़ा तरीक़ाकार, एस ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म दी गई तस्वीर का नाम और आवाज़ दुरुस्त बताएगा, एम ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म एक या दो गलतियां करेगा, डी ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म तीन या चार गलतियां करेगा, एन ए ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म एक दुरुस्त सुनाएगा। सवाल नंबर पाँच, कॉन्सेप्ट नंबर 27, त की नज्म सुनाएं। जायज़ा तरीक़ाकार, ये होगा एस ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म इशारों की मदद से नज्म सुनाएगा, एम ग्रेड का मुस्तहिक जो तालिबे इल्म इशारों की मदद के बगैर नज्म सुनाएगा, डी ग्रेड का मुस्तहिक
جو طالب علم سنانے میں ایک یا دو غلطیاں کرے گا. این آئی گریڈ کا مستحق وہ طالب علم ہوگا جو بالکل بھی نظم نہیں سنائے گا. امید ہے ہماری آن لائن تدریسی ویڈیو سے آپ بھرپور استفادہ کرتے ہوئے بچوں کی بہتر رہنمائی اور نگرانی کر سکیں گے. آپ سب کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ اگلے پیپر تک کے لیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھے گا اور ملت اسکول انتظامیہ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.